बिग बॉस 13 के बाद पहली बार साथ नजर आए रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई एक दूसरे को सीधा मुंह देखना भी नहीं पसंद करते थे। आए दिन इन दोनों की लड़ाई झगड़े के किस्से सरेआम होते थे। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला रश्मि देसाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। आए दिन इन दोनों की लड़ाई होती रहती थी, छोटे छोटे मुद्दों पर ये दोनों लड़ते झगड़ते रहते थे। जब हम बिग बॉस सीजन 13 स्टार्ट हुआ था, हमने देखा था कि रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला आए शो में, ये दोनों हाय हेलो बाय वगैरह फ्रेंडशिप इनकी थी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर ऐसा एक मोड़ आया कि ये दोनों उतर आए हाथापाई पे। अरहान खान घर के अंदर आते हैं, अरहान खान रश्मि को सपोर्ट देते हैं, जिसके बाद रश्मि बहुत ही ज़्यादा शेरनी बन जाती हैं और अटैक करती हैं सीधा सिद्धार्थ शुक्ला पे। सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वो चिढ़ जाते हैं रश्मि से। इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर होती है। ये सारा ड्रामा हमें देखने को मिला बिग बॉस के घर के अंदर। अब चलो हम बात करते हैं बिग बॉस के घर के बाहर के। बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद रश्मि और सिद्धार्थ बन गए हैं अच्छे दोस्त। जी हाँ फ्रेंड्स, एक फोटो शेयर करके रश्मि देसाई ने बताया कि वो बिग 13 के बाद सिद्धार्थ शुक्ला से मिली हैं और उन्होंने अच्छा खासा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला एक साथ किसी सीरियल में नजर आते हैं या नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब वो पिछले सीरियल दिल से दिल तक में साथ आए थे तो बहुत ज्यादा मेलो ड्रामा क्रिएट किया था। अब इसके बाद देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों कब साथ में नजर आते हैं। अगर इनकी फ्रेंडशिप हो गई है तो शायद हो सकता है आने वाले दिनों में सिद्धार्थ हमें एक साथ देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है सिद्धार्थ को एक साथ देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।